अपने गियर्स वगैरह जो हम डालते थे, नीला डोरा नहीं और लिया, उसके अंदर भ्रिंड थी, सो भ्रिंड काट गई, तेरा छत्ता ये ना मेरे सिर पे भ्रिंड काट गई है। टांगो के भैया बस से बस ज्यादा हो, इसे करो अपना अलग लेन में करो। गुड मॉर्निंग, यस आई एम हैविंग, थैंक यू। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितनी बार धन्यवाद बोलूंगे मेरे भाई, अभी तो कंटेंट शुरू हुआ है, छोड़ के मत जाइए, इंजॉय कीजिए, तभी तो आएगा मजा। हाँ मेरे भाई, यही तो है जैक चंडीगढ़, सारी चीजें एकदम से पलटी हो जाता है, जैसे आपकी जिंदगी हम कर देंगे, कैसे देखते जाइए आगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। हो गए 5:30, उठ सो गए थे 4:45 बजे, बट कुछ काम वाम कर रहे थे, बच्चों को थोड़ा मतलब उसको खांसी हो रही थी निमान को, तो उसका सेटिंग वगैरह कर रहे थे और अभी ये बनाने लगे बीटरूट का जूस। उसके बाद आज मैं जाऊँगा राइडिंग पे, साइकिल पे। और एक चीज़ और पता लगी है, एप्पल अब क्या है रिसेंटली अपनी लॉन्च करने वाला है यहाँ पे, क्योंकि एप्पल के फ़ोन काफ़ी महंगे होते हैं। सो जिस तरह EMI देते हैं हम आईफोन के लिए, नया आईफोन लेते हैं तो रेंट पे भी और शुरू करने वाला है। अब रेंट पे शुरू करने वाला, इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी, आईफोन की सेल कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। सही एक्सक्लूसिव चीज़ कहाँ मिली है, एक्सक्लूसिव चीज़ मिली हुई है मुझे अभी रिसेंटली पता चला नबील नवाब भाई के पेज से। तो नबील नवाब भाई का जो पेज है उनको सब्सक्राइब कर डालो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इंस्टा पे मिल जाएंगे, हर जगह मिलेंगे वो, ठीक है। और एप्पल का ऐप चंडीगढ़ को भी कर लो, ये रील बना के मैं उधर भी डालूंगा। आज एक पता नहीं क्या हो गया, किचर विचर कह गया रहा है। चलो हमने बीटरूट जूस पी लिया अपना और अभी हम देखते हैं कि कहाँ पर है हमारी राइडिंग गियर्स। राइडिंग गियर पर जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा काम है वो बैक एंड पे लगा के चला जाता हूँ और राइड पे जाते हैं बहुत दिनों बाद, तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद। हाँ ये अपने गियर्स वगैरह जो हम डालते जाएंगे, तो ये हो गया, सॉक्स वगैरह ले लो, सॉक्स ही डालो, ये वाले डाल लेते हैं, ये वाली सॉक्स डाल लेते हैं। और मेरे यहीं तो थी ग्लव्स, कहाँ पर है भाई, एक ग्लव ये रहा, काफ़ी दिनों बाद निकल रहे हैं, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा वैसे फेंका, बट और क्या चीज़ है, मतलब हो गया। हाँ हमारी लाइट पता नहीं मेरे भाई कहाँ रखी मैंने, भाई रहा अभी चार्जर नहीं है, देखने पड़ेगी तो रह काम बन जाएगा, लाल लाल तो हो नहीं रही। चलो बढ़िया, बंद कर दो इसको, बंद कैसे होती है, अच्छा दबा के रखने से, भूल गया भैया। अभी ये दोनों लड़ रहे थे, इसका ये तोड़ दिया क्या, अब कह रहा कि मेरे को चाहिए नहीं, ये मेरे को चाहिए, तोड़ा उसने, अभी ने तोड़ा। हाँ तो अभी ने तोड़ा तो ठीक है फिर, ये आप कह रहे हो अभी का नया लेके आओगे, किसने बोला, वो बोल रहे पापा मेरा नया लेके, नहीं कोई नहीं लेके आएंगे पापा, नहीं इसलिए नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, रूस ने तो इसको, अब इसकी खांसी भी ठीक हो गई, रहन दो रूस ने तो इसको। और हम भी जा रहे हैं बाहर राइडिंग पे, नीला डोरानी, और यहाँ पर अभी इसको कर देंगे हम थोड़ा सा क्लीन और फिर चलते हैं, अपना वो हेलमेट रखा वहाँ पे। चलो बढ़िया हुआ वो हेलमेट साफ तो कर लिया, उसके अंदर भ्रिंड थी, सो भ्रिंड काट गई और काटी के दाग खोपड़े हुए और दर्द हो रहा है भैया। अब इसके एक ऐसा सा देखना पापा जी कहाँ पे गिर गया है, ये रहा वो भ्रिंड थी, इसके अंदर एक छत्ता बनाया हुआ था, ये रहा छत्ता। तो अब सिर में दर्द जलन हो रही है, तो वो देखते हैं अगर कुछ निकल गया इसके अंदर है, तो यहाँ ऊपर निकलवाते हैं अगर कुछ बात बन गई तो, जलन हो रही है ये ना मेरे सिर पे भ्रिंड काट गई है, पता नहीं मधुमक्खी थी भ्रिंड थी यहाँ पे, वो देखो कुछ निकलता है तो ना, हाँ यहाँ पे काटी है, यहाँ पे देखो, उधर हो जा बेटा, यहाँ देखो कुछ पे हाथ तो नहीं लगाया, नहीं हाथ कुछ नहीं लगाया है यहीं पे, हाँ यहाँ देखो यहीं पे कहीं पे मिलेगा कुछ, जलन जलन सी हो रही है, देखो भीभी की आवाज़ तो आई, मैं क्या वैसी होगी, हेलमेट के अंदर, हेलमेट जैसे ही डाला अंदर पच करके करिए,
अब उसकी गलती नहीं है, उसको मिला काफ़ी दिनों बाद। हाँ यहाँ देखो, यहीं पे कहीं पे मिलेगा, मैं बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये इस एरिया में। ठीक है ठीक है। हाँ ये सूज भी गया होगा, मेरे को लग रहा है अभी सूजिश आ रही है, मेरे को ऐसे लग रहा है। वो गहरी गोल गोभी कर दूंगी। यहाँ पे है डंक, है ना, रेड डंक मारा। हाँ निकाल दे इसको, निकलता है तो दूर हो जा बेटे, नहीं तो चार लगा देना। देख रहा है, हाँ इसको देखो, खींचो इसको, हल्का पॉइजन होगा। चलो बढ़िया है, इसमें पॉजिटिव क्या हुआ दोस्तों, इसमें पॉजिटिव ये हो गया कि जब ये डंक मार जाती ना, फिर उसके 6 महीने तक आपको टेटनस का टीका नहीं लगवाना पड़ता। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है। हाँ ये यहाँ पे, ये कुछ है, अंदर छोड़ दिया उसने डंक अपना, अंदर छोड़ दिया, अंदर चला गया क्या? नहीं तो पहले बाल सा दिखता है, बाल। हाँ तो बाल, घने बाल है आपके। मन ननूब जलोटा बन गए भैया, ननू ना चपटिया, थोड़ा थोड़ा दुख रहा है। जैसे मैंने हेलमेट उठाया ना, मेरे को आवाज़ तो आई थी, फिर मैंने साफ भी किया तो चलो हाथ पे नहीं काटा, बालों में काटा, बालों में दिखेगा नहीं किसी को। मैं जैसे ही डाला ना, भी करके आवाज आई, और जैसे ही वो भी करके आवाज आई ना, इतनी देर में तो उसने कर दिया काम। फिर मैं हेलमेट देखा उसके अंदर वो था, उसके बाद तो भैया मैं बालों से निकालने लगा एकदम से, मैं क्या बालों में ना फंसी रह जाए, 5-6 और मार दे। इतने में तो गायब हो गया, तो निकल गया होगा इसके साथ, एक वाइट छोटा सा हल्का सा बाल होता है। अब ऐसा करो, इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, इसमें तो थोड़ा ये रगड़ दो, लोहा रगड़ दो, तेल लगा सकते हो, सरसों का तेल से हो जाता है आराम, वो अचार वाला। हाँ अचार वाला कह रहे हैं, अचार वाला लगा दो, लगा दो अचार, भारी भारी लग रहा है यहाँ पे। हाँ अभी स्वेलिंग होएगी। अगर उसने डंक, जैसे कई बार ना डंक ऊपर छोड़ देती है स्किन की यहाँ, ठीक है ना, कहाँ पे क्या कुछ था हल्का हल्का, यहाँ पकड़ कौन, एक बार पकड़, एक हाथ से कैमरा पकड़ लो, एक हाथ से दिखाओ, देखो कहाँ पर क्या कुछ है। ये यहाँ पर मेरा हाथ, हाँ ये दिख रहा है, ये रेड रेड है जो आपके डंक मार दिया उसने। अच्छा। हाँ क्योंकि उसने पूरा स्किन में मारा है, इसलिए उसका डंक अंदर जा चुका है, थोड़ी सी स्वेलिंग आएगी, ठीक है। रेड रेड दिखा हुआ है, ब्लॉगर बन गए। चलो आज मेरे को लग रहा है, आज जो हम जाएंगे राइड पे, वो बिना हेलमेट के कह रहे थे कि बिना हेलमेट पे जाओ, तो आज हवा लगाएंगे अपनी जुल्फों पे। लगाना ही पड़ेगा, नहीं साइकिल पे लगाते नहीं हो? लगाता तो हूँ पर अभी फिर वो काट दी तो क्या हुआ, जलन जलन हो रही है। तो हेलमेट लगाने से क्या हुआ, वो दबेगा नहीं, फूट नहीं जाएगा फोड़ा, ऐसा कुछ फोड़ा फोड़ा कुछ नहीं है। अब तो होएगी स्वेलिंग बाद में, थोड़ा टाइम लगेगा फैलने में जहर को। जहर फैला रही है उसका डंक का। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर वो पता नहीं उड़ेगी नहीं उड़ेगी, खैर मैं मारता तो नहीं उसको, खैर उसका घर था, मैंने कहीं ना कहीं उसको, मेरी गलती है कि मैंने देखा नहीं ध्यान से, तो हाँ तकरीबन साफ ही साफ किया था मैंने, साफ करके नहीं, वो अंदर वाली साइड में उसने व्हाइट व्हाइट छत्ता बना रखा था, मधुमक्खी व्हाइट बनाती है, भ्रिंड व्हाइट बनाती है, येलो वाली होती है वो भ्रिंड होती है, भ्रिंड काटी है मेरे को, मधुमक्खी तो वो हनी बी वाला बनाती है ना, वो तो बहुत डेंजरस होती है। हाँ अरे वो सारी डेंजरस होती हैं, अभी कुछ देर पहले तो लड़ रहे थे वो, देख रही थी कहाँ घुसी जा रहा है भैया, देख के चला करो एक्सीडेंट हो जाता है। भ्रिंड का छत्ता जो अपने को ABCD कर गया, ठीक है, मेरे को खैर आवाज तो आई थी, ये देखो दिख रहा ना ये वाला, खैर अभी इसको तो हमारे को निकालना पड़ेगा, बिकॉज सॉरी वो बेटे अंदर पूरा चिपका रखा है, देखो पूरा चिपका रखा है, ये देखो इसको भी कर लेते हैं, ABCD हो गया। चलो अब अभी हेलमेट डाल लेते हैं, हेलमेट डाल
डालना वैसे जरूरी है, और तो नहीं है कोई छोटी मोटी है। अब हेलमेट कुछ दिन हम यहाँ नहीं रखेंगे, देखते हैं कहाँ रखेंगे, कहीं और कहीं तो नहीं है अब तक। डर हो गया क्या भैया, हैं इसके अंदर तो नहीं है, हैं यहाँ पर यार ये तो नहीं दिखी मेरे को, और बाकी कहीं नहीं होगी, बाकी तो सारी चीज़ें हिलती रहती ना, ये हिला नहीं काफ़ी टाइम से, तो आज ऐसा हिला कि इसने मेरे को हिला दिया। चलो ये रख देते हैं, चलते हैं। लगा लिया चार, अभी इतना तो फैल चुका है, तकरीबन 10 मिनट तो हो गए हैं। कोई बात नहीं, हाथ धो और ड्राइव पे चलो अपनी वाली। हम हेलमेट वेलमेट लगा कर और बड़े दिनों बाद ठंडी ठंडी हवा का आनंद मिल रहा है, खोपड़े पे लग रहा है, और साथ में वो हल्का हल्का सा लाइक उस टाइम तो एकदम से था कि ऐसे जिस तरह भारी कुछ डाल दिया, बट एज ऑफ नाउ इस टाइप का नहीं है कुछ, और अब तो पेन भी थोड़ा कम हो गया है, जो हो रहा था हल्की चुभन है वो भी हो जाएगी ठीक। चलो कहीं ना कहीं किसी के भी घर में आप जाओगे तो वहाँ पे वो चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करती है ठीक है। तो आराम से चलाओ और राइड करेंगे कितना करेंगे देखते हैं, एक वो कर लेते हैं ऑन। अरे भैया डरा नहीं रहा भैया तेरे को, वैसे डर गया है, ये ऐसे डर गया हब की आवाज़ से। ओके सो हब की आवाज़ भी सुनेंगे, सिद्धू को भी सुनेंगे और राइड करते जाएंगे। बड़े अलग लेवल आ रहा है, बड़े दिनों बाद शायद महीना ही हो गया या उससे ऊपर, बहुत मज़ा आ रहा है। ब्रेक लगा देते हैं कहीं भी, इनका लाइट भी नहीं होता ना राइट पीछे वाला, होता भी होगा ख़राब होगा तो ठीक नहीं करवाते। चलो अभी इंजॉय करता हूँ सिद्धू को और सिद्धू भाई को, और करते हैं राइड इंजॉय। आज कोई वो नहीं लग रहा मेरे को रनिंग वनिंग वाला, तो संडे को रनिंग वनिंग वाला होता है, ऐसा नहीं है अभी। आज पूरा खींचा हुआ है, 5.5 मिनट में 2 किलोमीटर कर दिए और ज़्यादा करते हैं। अभी जो है वो एलिवेशन है, पूरा का पूरा एलिवेशन आगे तक, यहाँ देखते हैं कितने मिनट रहे कवर करेंगे। लेग्स की भैया भाई बैंड बज गई आज, पर बहुत सही है, चलते जाओ। चरवेती चलते जाओ। यहाँ पर बहुत सारे जो इंक्लिनेशन है, एंड यहाँ पे जिस तरह संडे को हर संडे को होता है, सो इस बार भी हो रहा है। वो क्या हो रहा है, 2 किलोमीटर बहुत बढ़िया, और पता नहीं कितने मिनट, 7:30 थे, 9:30 हो गए, तो 2.5 घंटे लग गए। चलो और चलते जाओ, सिद्धू भाई को सुनते जाओ। तो अभी देखा यार, ये देखो दोनों साइड लगा दिया तो सही है, ये सुखना लेक वाली रोड है और ये बस चीज़ है, बस चीज़ मतलब बेस्ट चीज़। ओके राइड करो यहाँ पे, मौज मस्ती से करो, अपना अलग लेन में ही करो, यहाँ पे 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का कोई बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और आपका दोपहिया पैरों से चलाने वाला वाहन आगे चलता जाएगा और सुखना लेक पहुँच जाएगा। सुखना लेक बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके पहुंच गए हम यहाँ पे, 4:24 किलोमीटर 12 मिनट में हम पहुंच गए यहाँ पे। ओके मनीमाचरा से, ओके और सर अभी रोड ख़त्म नहीं हुआ, अभी बिल्कुल एंड तक जाएंगे, उसके बाद फिर वापस घूम के आएंगे। आज का चक्कर थोड़ा लंबा होगा और खींच के होगा ठीक है। तो ये सुखना लेक वाला रोड, एक एंट्री ये भी है, एक पीछे वाला दिखाया था एंड एक है गार्डन ऑफ साइलेंस है, तो ये एंट्रीज है सुखना लेक पर। तो आगे भी कर दिया यार, पूरा कर दिया, सही है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। सो ये बना दिया गया रोड, तो जो रोड बनाया है उसका पालन करो, और इसी पे इसी लेन के अंदर चलते जाओ। ये पेड़ था कहीं ना कहीं, मैं दिखाता था खोपड़े पे बैठता था हेलमेट पे, बड़ी इसकी झंगाई या कटाई कर दी गई है हल करके, ट्रिमिंग कह रहे हैं, सो ट्रिमिंग कर दिया गया है, बहुत बढ़िया। अभी आज पानी नहीं है, प्यास लग रही है, देखते हैं कहीं पे रनिंग वगैरह चल रही हो, पानी वगैरह बॉटल मिला तो उठा लेंगे। मेरे भाई हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, पानी की बॉटल मेरे को याद थी बट एंड टाइम पे भूल गया पानी की बॉटल ढूंढना,
ऊपर तो रखे नहीं है, नीचे कहीं रखे होंगे, तो वो भी देख लेंगे और राइड करते जाएंगे रोज। टांगों के भैया बस से बस ज़्यादा हो गई है, थोड़ा आराम से चला रहे हैं, थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। ये देखो पानी के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे पानी और आते हैं ले लेंगे। सो ये NMIMS करके यूनिवर्सिटी खुली है, शायद वो है स्पॉन्सर आज के जो रनिंग वगैरह करवा रहे हैं। और NCC कैंडिडेट्स वो देखो वहाँ पे देख लेंगे, NCC कैंडिडेट्स भी यहाँ पे सुबह सुबह वो आ जाते हैं। बढ़िया ओके, ये रॉक गार्डन है यहाँ पे, इस साइड रॉक गार्डन और ये डॉगी रॉक गार्डन से देख के आते हैं। ओके अब ये क्या चीज़ करवा रखी है मेरे भाई, ये बीच में लगा रखा है। ओके तो ये मेरे ख्याल से यहाँ फुट पाथ बना रखा है, यहाँ से आपने जाना है और वहाँ से घूम के आना है। बहुत बढ़िया, क्या थक भी गए, प्यास भी लग रही है, बॉडी हाइड्रेटेड अपनी कुछ किया नहीं ना, गलती हो गया। आगे से लेके चलेंगे और आप भी रखो हमेशा, क्योंकि ज़्यादा कर लिया हमने और यहाँ पे पानी का ऑर्डर है। वहाँ से हम घूम के आएंगे, देन उसके बाद वहाँ से हम ले लेंगे। ये देखो ये, तो यहाँ से हम पानी का ऑर्डर लेंगे और चलते बनेंगे आगे। चलो चलते का नाम चराई रहती, चलते जाओ। टाइम हो गया यहाँ पे 6:54 किलोमीटर आ गए, 20 घंटे 20 मिनट और 11 सेकंड हो गए। पीछे एंड तक जाना वाले ब्लॉक कर रखे हैं, पता नहीं किस वजह से। ओके सीधा जाएंगे, पानी अगर बॉटल मिलता हो तो वहाँ से पानी का बॉटल पिक कर लेंगे, उसके बाद चलते जाएंगे सीधा। ओके इट माइट बी पॉसिबल, एक पॉसिबिलिटी ये है कि पिछले संडे शायद हरियाणा से काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आए थे, CM आवास का घेराव करने के लिए, शो बंद कर दिया था। और मेरा एक फ्रेंड है वो भी कह रहा है कि रात को चंडीगढ़ बंद कर देते हैं, तो शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस वजह से इन्होंने बंद कर दिया, बाकी गॉड नोज। चलो सीधा पानी पियो, चलते जाओ, यहाँ से निकलेंगे तो आपको दिख जाएगा ये, यहाँ पे पानी का पॉसिबिलिटी है मिल जाए, बॉटल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं, दूसरे वाला पानी है तो बॉटल नहीं है कोई बात नहीं। ये इस टाइप का इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, नींबू पानी और केले वेले सब कुछ है, बहुत बढ़िया। तो खैर अपने को तो बॉटल चाहिए, केले वेले नहीं खाने। चलो आगे पकड़ लेंगे, थोड़ा और पसीना निकलेगा, थोड़ा और प्यास लगेगा। चलो और है 7:12 हो गए हैं और 7:30 बजे अपने को कृष्णा भाई के पास भी जाना है, तो दाढ़ी का थोड़ा स्टाइल चेंज करवाना है। अब वो स्टाइल क्या चेंज करवाएंगे वो तो खैर आपको पता लगेगा, बट आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ क्या चंडीगढ़ आए थे, वो वीडियो एक्सक्लूसिव उसी पे आएगी। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग, चेंज नहीं करोगे रिजिड रहोगे सो नप जाओगे, नपना नहीं है रिजिड नहीं रहना है। अभी बीच में लगा रखा है इन्होंने, पता नहीं साइकिल निकलने का रास्ता नहीं होगा, तो यहाँ से साइड से निकल जाते हैं ये रॉक गार्डन में। वाटर क्या लिखा है, वाटर स्टेशन दिख रहा है क्या आपको? हाँ अब मेरे को दिखने लग गया, आँख है भैया थोड़ा कमजोर है। वाटर से पानी वाला नहीं है भाई, कोई बैठा हुआ है, देखते बॉटल हुआ तो ले लेंगे खुद ही। पानी मिल गया भैया अपने को, पानी पी लेते हैं, पिया भी थोड़ा सा, देखो थोड़ा सिप ले लिया, हल्का हल्का सिप लेके चलेंगे, एकदम से नहीं पीना। बात करते हैं चंडीगढ़ के लाइफस्टाइल की, तो ये देखो कितने बूढ़े अंकल हैं, ये देखो। हेलो अंकल, वेरी गुड, ओके बहुत बढ़िया। सो ये चीज़ मिलती है यहाँ पे, बुढ़ापे में आके भी आप इतना एनर्जाइज फील करते हैं। ओके यहाँ से कट मारा, यहाँ से कट मारा। ओके गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, पानी पिलाना बहुत अच्छी चीज़ है, ये कौन समझ सकता है, जिसको प्यास लगी हो शायद वही पानी। किलोमीटर हमारी राइड हो चुकी है, नहीं 5 किलोमीटर सॉरी, और 14-14.5 मिनट लगा लो आप, और हमने जहाँ से राइड शुरू करी थी वहीं से हम खत्म करेंगे और वहाँ पर देख लेंगे हमारा लाइक कितना टाइम पीरियड हमारा कितना लगा, बिकॉज आते हुए इंक्लिनेशन था, जाते हुए डाउन हुआ, तो कहीं ना कहीं हम जा जल्दी पहुंच जाएंगे।
गुड मॉर्निंग यस आई एम हैविंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके सो चलते जाएंगे छरावेदी। तू भाई का था ना एक सॉन्ग, उसमें लाइन था कि एक साल में इतने गाने गा दिए हैं जितना आज तक कई सिंगर्स ने गाए नहीं हैं। सेम वैसे भाई साहब 4 महीने में इतने ब्लॉग भर दिए हैं, शायद लोगों के पूरे साल में नहीं आते। और अभी तो 4 महीने हुए हैं, आगे देखते जाओ क्या होता है। जैक चंडीगढ़ को फॉलो कर डालो। हो गया 13:72, सो 19:30 के आसपास हमने शायद वावे का भैया हाफ टाइम से जल्दी आ गए, जिससे हमने शुरुआत करी थी अपने उसके टूर के वगैरह खत्म कर दिया। अब करते कृष्णा भाई को फोन। संडे का दिन बहुत लंबा होता है, बहुत काम होता है। संडे मीन्स डबल काम, इट डजंट मीन आराम से काम। ठीक है, आप सबका लव एंड सपोर्ट चाहिए In order to grow our family to big as बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, यहाँ से निकल के सीधा जा रहा है आपके पास। करो सब्सक्राइब।